आदमी जमीन में पड़ा गोबर उठाता है और उसे ध्यान से देखता है, मानो उसे लगा उसने कुछ हासिल किया है, और वो गोबर अपने चेहरे पर लगा लेता है। फिर वो सबको आदेश देता है मल को अपने पूरे शरीर में लगाने के लिए। ये यहाँ का सरदार है और सभी जमीन पर लेट गए हैं जो समय में 2000 साल पहले शिकार करने जा रहे हैं। उनके सामने याक का झुंड है और सरदार के हाथ में 3 लाल चींटियां चढ़ती है जिसे वो बिना देखे निगल जाता है, क्योंकि लंबे समय से उसे भोजन नहीं मिला है। सभी आदमी याक की तरफ एक साथ दौड़ते हैं और याक भी उन्हें देखकर उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने हमला करने को तैयार है और पास ही पास आते जा रहे हैं। आदमी याक के झुंड से थोड़ा पहले भाले फेंकते हैं जिससे वो अपनी दिशा बदलते हैं और दूसरी तरफ भागना शुरू करते हैं। वो पर्वत का आखिरी छोर था और सभी याक वहाँ से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन तभी एक याक रुक जाता है और वो इंसानों की तरफ हमला करने दौड़ पड़ता है। वो सरदार के बेटे को निशाना बनाता है जिसका नाम कोडा है और वो अभी अभी नया शिकारी बना है। वो याक से नहीं बच पाता और याक की सींग में उसके बाल फंस जाते हैं। उसके पिता उसे बचाना चाहते हैं पर याक उसे पहाड़ से नीचे फेंक देता है और खुद भी गिरकर मर जाता है। कोडा पहाड़ के किनारे लटका था, लेकिन तभी